नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का MGCI के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सभी को विदित है, कृषि की आने वाली महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो कि निश्चित तौर पर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी, और इसी उम्मीद के साथ, इसी ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ फिर से हम एक बार स्टार्ट करने जा रहे हैं नई बैचेस, जिसकी जानकारी आपको पहले भी मिल चुकी है। 15 सितंबर से नई बैचेस प्रारंभ हो रही है। तो साथियों, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ आपके बीच में, वह बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप अंतिम समय तक जुड़े और देखें और इसका 100% लाभ लें। धन्यवाद साथियों, आइए तो बिना विलंब के हम स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे ही हम बगीचे में जाते हैं, किसी भी गार्डन में जाते हैं, तो दिल बाग बाग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की हरियाली को देखकर। अब हरियाली कौन सी वाली भैया? हरियाली हार्ट ऑफ गार्डन वाली, दूसरी हरियाली की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हरियाली को देखकर हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। उस हरियाली को देखने के लिए मन में कभी प्रश्न उठते हैं कि भैया ये आकृति क्या कहलाती होगी, ये संरचना क्या कहलाती होगी। आज के क्लास के बाद जो जो आपके डाउट होते हैं हरियाली की आकृतियों को देखकर, संरचनाओं को देखकर, शायद नहीं रह जाएगा। मैं सारे आपके बेसिक जो डाउट आते हैं लॉन को देखकर, किसी गार्डन को देखकर, किसी ब्यूटीफुल गार्डन को देखकर, वह सारे क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारी स्क्रीन पर हमें बहुत सुंदर सा चित्र दिख रहा है और आप भली भांति इसके बारे में जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो आज आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जान लेंगे और आपको हमेशा के लिए याद रहेगा हेज। ठीक है, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो भैया शब्द हमारा है हेज। अब हेज की बात करें तो हेज दो तरह से हम लगा सकते हैं, एक तो टॉल प्रोटेक्टिव, एक ऑर्नामेंटल प्रोटेक्टिव। हम हेज को दो तरह से लगा सकते हैं, एक तो टॉल प्रोटेक्टिव और एक है भैया ऑर्नामेंटल प्रोटेक्टिव। एक टॉल प्रोटेक्टिव है और एक ऑर्नामेंटल प्रोटेक्टिव, एक टॉल प्रोटेक्टिव और एक ऑर्नामेंटल प्रोटेक्टिव। अब जब टॉल प्रोटेक्टिव की बात होती है, ऊंची ऊंची झाड़ियों की बात होती है टॉल प्रोटेक्टिव की, तो इसमें हम लगाते हैं करौंदा और बोगनवेलिया, और भी दूसरे सारे पौधे हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम लगाते हैं अधिकतर आप देखोगे तो करौंदा, केरिसा कैरेंडस एंड बोगनवेलिया, इसका हम यूज करते हैं यहां पर बोगनवेलिया। ठीक है, तो टॉल प्रोटेक्टिव में हम करौंदा का यूज कर सकते हैं और बोगनवेलिया का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल में जब भी हम लेंगे तो पेरिनियल नेचर के सरप्स का यूज करेंगे, जिसमें अगर हम देखें तो मेहंदी और ड्यूरेंटा आएगा, मेहंदी और ड्यूरेंटा इसका यूज होता है भैया इसमें, मेहंदी और ड्यूरेंटा। आपने सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल या बहुत सारे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होते हैं उसके आइट साइड जो बॉर्डर देखी है, आइट साइड जो बॉर्डर देखी है मेहंदी की, वो भैया आपके लिए ऑर्नामेंटल प्रोटेक्टिव, क्योंकि एक बार लगा देते हैं तो कई वर्ष तक चलती रहती है। तो साथियों, अब आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है, जब आपको यहाँ पर सामने में स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये टॉल प्रोटेक्टिव ऑर्नामेंटल है, आप जैसे कि देख रहे हो पूरी तरह से एक बॉर्डर का काम कर रहा है। अब ये बॉर्डर क्यों बने, इसके दो कारण है यहाँ पर। एक तो भैया ये प्राइवेसी को मेंटेन करता है, आपके बगीचे में जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करेगा। आप बगीचे में अंदर बैठ के बातें कर रहे हो, गुटरगू हो रही है, उस गुटरगू को कोई देखे ना, आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसका भी काम कर रहा है, प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है और ब्यूटीफिकेशन का भी काम कर रहा है, मतलब सुंदरता को बढ़ाने का काम भी कर रहा है। कौन? टॉल प्रोटेक्टिव ऑर्नामेंट, क्लियर है बात। उसके बाद हम लेते हैं ऑर्नामेंटल पेरेंट, सॉरी ऑर्नामेंटल प्रोटेक्टिव, जिसमें हम मेहंदी या ड्यूरेंटा का यूज करते हैं, तो इसमें हम डिफरेंट शेप देकर इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, मतलब सुंदरता तो है ही लेकिन और सुंदर बना दिया, समझ गए, सोने पे सुहागा हो गया, समझ रहे बात को। तो इस तरह से जब टॉल प्रोटेक्टिव या सुरक्षा की दृष्टि से, प्राइवेसी की दृष्टि से बॉर्डर के रूप में चारों ओर हरी भरी झाड़ियां लगाई जाएगी, तो भैया वो हेज का रूप धारण कर लेगी। और हेज की जो ऊंचाई रखते हैं, हमेशा ध्यान रखना है, 1 मीटर से अधिक रखते हैं, मोर देन 1 मीटर, या जस्ट इसको हम ऐसा भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मोर देन 1 मीटर। तो हेज की जो ऊंचाई होगी हमेशा वो 1 मीटर से अधिक होगी। आप यहां पर देख पा रहे होंगे जो इसका लेंथ है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हेज का मामला। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस डायग्राम की मदद से बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने सारी चीजें बताने की कोशिश की है, और आपको हमेशा हमेशा के लिए अब दिमाग में छप चुका है कि हेज क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है हेज के बाद आता है एज। अब जब बात आती है एज की तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एज और एज में क्या अंतर है, ठीक है, तो आज ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अब हम बात करें एज की, तो भैया इसकी जो ऊंचाई होती है, हाइट होती है, एज कंपेयर टू हेज, इसकी हाइट क्या रहेगी, कम रहेगी। कितनी रहेगी, तो भैया इसकी हाइट रहेगी 20 से 30 सेंटीमीटर, इतनी जा सकती है इसकी हाइट, लगभग एक फीट, वहां पर एक मीटर था या एक फीट जा सकती, इससे ज्यादा नहीं रखते। अब ये सुंदर से दो चित्र आपको दिख रहे हैं, सर इनका क्या यूज है, तो भैया जो मटेरियल हम एज में यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसके टू टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, फर्स्ट है लिविंग एज, दूसरा है नॉन लिविंग एज। सर मतलब क्या हुआ, तो जब लिविंग एज की बात करेंगे तो हम यहां पर प्लांट या फ्लावर प्लांट का यूज करेंगे, किनका यूज करेंगे साथियों, फ्लावर प्लांट का यूज करेंगे। यहां पर प्लॉट को डिवाइड करने के लिए, सेपरेशन करने के लिए और ट्रॉफिक को मेंटेन करने के लिए, विशेष प्रकार के डायरेक्शन देने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, यहां पर लिविंग एज। लिविंग एज में फ्लावर प्लांट का यूज किया जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कितने शानदार तरीके से पूरा एकदम डायरेक्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है एग्जाम में कि जो एज है इसका क्या उद्देश्य होता है, किस ऑब्जेक्ट से लगाते हैं, तो ये ट्रॉफिक कंट्रोल का काम करती है, ये डायरेक्शन का काम करती है कि भैया आपको इस डायरेक्शन से इस तरह से चलते जाइए, आपको पूरा बगीचा इस तरह से आपको घूमना है, तो ये ट्रैफिक कंट्रोल का काम करती है, साथ ही ब्यूटिफिकेशन का काम कर रही है। ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में जितने भी प्लांट लगाएंगे, जितने भी फ्लावर लगाएंगे, जितना भी कार्यक्रम किया जाएगा, कहीं ना कहीं उसका ब्यूटिफिकेशन से तो रिलेशन है। हार्ट ऑफ गार्डन दैट इज लॉन, लॉन को कंट्रास्ट करके कलर कॉम्बिनेशन मिलाकर लिविंग एज तैयार कर दी गई भैया, समझ गए। देन अगली बात है नॉन लिविंग एज, जब एज को और ब्यूटिफिकेशन करने के लिए हम सीमेंट से बनी हुई ईंट ले लें, छोटे छोटे से पत्थर के टुकड़े इस तरह से यहाँ पर रखे गए हैं और उनको फ्लावर के साथ मैनेज किया गया है, तो जब नॉन लिविंग थिंग्स लाइक ब्रिक्स हो गया, ईंट हो गई, सीमेंट हो गई या रंगीन छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रख दिए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन लिविंग। तो यहाँ पर छोटा सा अंतर है, लिविंग में प्लांट का यूज़ किए और नॉन लिविंग में भैया प्लांट का यूज़ तो करना ही है, लेकिन उसके साथ ईंट, सीमेंट की ईंट या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रखते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि एज क्या काम करेगी, तो हमें बताना है एज का जो फंक्शन होता है वो भैया ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम होता है, समझ गए, और अट्रैक्शन तो आएगा ही आएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण काम हो गए भैया किसके, एज और एज के। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, हेज एज से चालू होता है इसलिए उसकी हाइट ज्यादा होती है, और जनरली एज हमसे पूछते तो हम कम ही बताते हैं, तो हमारी एज क्या होगी, कम, मतलब हाइट कम, और हेज में एज से चालू हो रहा तो हाइट ज्यादा, इस तरह से आप याद रख सकते हो। क्लियर हो गया, ओके साथियों। आइए अब अगली शानदार सी महत्वपूर्ण संरचना हमें दिख रही है, आर्चेस। आर्चेस की अगर हम बात करें तो ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें कर्व लाइक संरचना हमें यहां पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, सिर्फ क्या ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे इन्हीं को आर्चेस कहेंगे, नहीं, ये कॉम्बिनेशन है किनका, आर्चेस का, दैट इज कॉल्ड परगोला, हम अगली स्लाइड में उसको देखेंगे। जब आर्चेस की बात होगी तो जो सिंगल ये आपको यू शेप दिख रहा है या डोम शेप दिख रहा है, ये हमारा क्या बेटा, आर्चेस। जो हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल थिंग दिख रही है उसको हम आर्चेस कहेंगे, और ये ब्यूटीफुल संरचना आर्चेस, ये भैया एंट्री, मुख्य रास्ता, ठीक है, बगीचे में प्रवेश करने का जो रास्ता है, मेन डोर है, जैसे शादी ब्याह में नहीं मंडप होते हैं उसी तरह का मंडप है, लेकिन यहां पर केवल एक ही की बात करना, एक एक जो सिंगल इंडिविजुअल आर्च है, एक आर्क है, एक धनुष की तरह जो आकृति है उसको हम आर्चेस कहेंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ आर्चेस परगोला हो जाएगा, अगली स्लाइड में और क्लियर करूंगा। तो भैया ये मेन एंट्रेंस गेट पर रखते हैं, फिर ये डिवाइडेशन का काम भी करते हैं, अगर एक बगीचे में दो भागों में बांटना है तो दो डोम बना देंगे बीच में, तो आर्चेस एक तो मेन गेट पर रख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं, तो कुल मिलाकर ये मुख्य संरचना है रास्ता प्रदान करने की। ये किसी भी बगीचे में जाना है, मेहराब टाइप से लगा है तो अलग ही फीलिंग आती है, तो उस फीलिंग को मेंटेन करने के लिए तैयार किया गया भैया आर्चेस। चलिए तो एक और चीज, चलो अगली स्लाइड में देखेंगे हम परगोला में, परगोला एक ग्रुप ऑफ आर्चेस, मतलब ग्रुप होता है भैया आर्चेस, आर्चेस का जो ग्रुप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परगोला। ये जैसे दिल दिख रहे हैं आपको बहुत सारे, अब इन दिलों की जो सीरीज आपको दिख रही, सीरीज ऑफ आर्चेस, इट इज नोन एज परगोला। और एक दिल की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, आर्चेस होगा। अगर मैं सिंगल दिल की बात कर रहा हूं तो आर्चेस कहलाएगा, और दिलों की जो सीरीज हमें दिख रही है,
हार्ट की जो सीरीज हमें दिख रही है वो हमारा क्या कहलाएगा भैया, पर्गोला। तो बहुत कंफ्यूजन होता है आर्चेस एंड पर्गोला, मैं वे सारे शब्द लेकर आया हूं आपके बीच में जिनका हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, लेकिन आज के बाद इन चित्रों के माध्यम से आपका कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। साथियों समझ गए बात को, तो पर्गोला में सीरीज ऑफ आर्चेस, एक एक दिल आर्चेस है और सभी दिलों को एक साथ हम पर्गोला बोलते हैं। अब इस तरह का गार्डन में आपने देखा होगा पर्गोला, कभी भैया आप घूमने गए और बारिश हो गई तो गार्डन में कहाँ छुपेंगे, तो यहाँ आकर बैठ सकते हैं, या आप गार्डन घूम रहे हो तेज धूप हो रही है तो आप यहाँ जाकर बैठ सकते हो। सुकून की सांस लेना है, दो मन की बातें करना है तो आप इस छांव में, ठंडी धूप छांव हो रही है उसमें आकर बैठिए, चाय की चुस्की लीजिए। तो इसलिए गार्डन में इस तरह की संरचनाएं बनाई जाती है। तो ग्रुप ऑफ आर्चेस पर्गोला, और पर्गोला की सिंगल आर्चेस रहेगा, ठीक है, सिंगल अगर थिंग की बात करेंगे तो आर्चेस होगा। आई होप साथियों आपको इन कलरफुल ऑब्जेक्ट की मदद से ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर भाई? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, दैट इज टॉपियरी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम पूछा गया प्रश्न है टॉपियरी, ठीक है भैया। तो टॉपियरी इट इज अ लैटिन वर्ड, पहला ही प्रश्न ध्यान रहे। टॉपियरी जो है किस भाषा से बना है, तो ये लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि टॉपियरी किस भाषा का शब्द है, तो याद रखना साथियों ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगर हम इसकी बात करें तो ये टॉपियरस शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है टॉप या कवर ऑफ सॉइल, ठीक है। और भारत में पहला जो पार्क है वो कमला नेहरू पार्क है साथियों, कमला नेहरू पार्क जहाँ पर टॉपियरी बनाई गई। भारत में सबसे पहले टॉपियरी कहाँ पर बनाई गई है, तो कमला नेहरू पार्क में बनाई गई। अब सर टॉपियरी में करते क्या है, तो यहाँ पर पक्षी हो जाए, पशु हो जाए, या और भी कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर जिनको हम देखना चाहते बनाना चाहते, तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हमें बनाना है, यूज करना है श्रब्स का। अब यहाँ पर हम जिस श्रब का यूज कर रहे हैं वो डेंस होना चाहिए, फॉलेज होना चाहिए, एवरग्रीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तुमने बनाया, चार छः महीने बाद वो सूख गया। तो ये कुछ विशेष बातें टॉपियरी में ध्यान रखना है कि हमें एवरग्रीन श्रब्स लेना है जो डेंस हो, लीफ से छोटी हो और प्रॉपर ट्रेनिंग प्रूनिंग में शेप को आसानी से धारण कर ले, उस तरह की श्रब्स का यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि आप ये सुंदर सा एलिफेंट यहाँ पर देख रहे हो, ये एग्जाम्पल है भैया टॉपियरी का, ठीक है, ये उसका बच्चा है ना, और ये एग्रीकल्चर किसान काऊ या बुल जो भी आप इसको समझ ले। तो कुल मिलाकर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स श्रब के यूज करके बनाना जो कि टॉपियरी के अंतर्गत आता है। टॉपियरी लैटिन भाषा का शब्द है, और टॉपियरी शब्द की अगर हम बात करें तो ये भैया ट्रॉपीपेरस से बना है, जिसका अर्थ होता है कवरअप करना या विशेष आकृति देना, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के हम यहाँ पर जो श्रब से, जैसे कि कैलेरोडेंड्रॉन की बात करें, कैलेरोडेंड्रॉन या साइप्रस, साइप्रस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइप्रस या कैलेरोडेंड्रॉन। साइप्रस विशेष तौर पर मुगल गार्डन का फीचर होता है, ऐसा हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। साइप्रस जो होता है वो मुगल गार्डन का फीचर होता है, तो साइप्रस याद रखना। इस तरह की श्रब्स का यूज करके, झाड़ियों का यूज करके हम डिफरेंट टाइप के शेप आकृतियां बना सकते हैं, किसके अंतर्गत आएगा, टॉपियरी के अंतर्गत। क्लियर हो गया होगा आई होप। अगला भैया ट्रॉफी। अब टॉपियरी और ट्रॉफी में बहुत कंफ्यूजन होता है। ट्रॉफी में किसी भी एक विशेष चीज को हाईलाइट करना, सिंगल ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है, ट्रॉफी में हमें किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है, किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट को क्या करना है भैया, हाईलाइट करना है, किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है, जितना भी ब्यूटिफिकेशन है उसके इर्द गिर्द लगा देना। जैसे कि हम इस सनफ्लावर की तरह दिख रहा है, इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसके चारों ओर हमने एक बॉर्डर तैयार कर दी, या इसके चारों ओर हमने यहाँ पर कोई लाइटिंग वगैरह लगा दी, ये भी हो सकता है, जैसे ये बच्चा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अगर हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो हमने इसके चारों ओर पूरी ग्रीन सीनेरी तैयार कर दी तो इसका लुक बढ़ गया। अगर डायरेक्ट अकेला ऐसा खड़ा कर दिया, काग भोगड़ा बन जाएगा, कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके चारों ओर आपने ब्यूटिफिकेशन कर दिया तो उसका जो लुक है वो अच्छे से आएगा। तो किसी सेंटर ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है तो आप जाते हैं, जैसे फाउंटेन वगैरह देखते हैं, उसमें आजकल लाइटिंग देखने को मिलती है, वो भी ट्रॉफी का ही एक व्यू है। मतलब बगीचे में जो लोग घूम रहे गार्डन में, उनका ध्यान को अगर केंद्रित करना है तो हमें कहीं ना कहीं उसमें ब्यूटिफिकेशन देना पड़ता है। किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है, जैसे आप लोग लिखते हो, येलो रेड ग्रीन मार्कर का यूज करते हो, उसको हाईलाइट करते हो तो सारे पेज में अलग ही दिखता है, वैसे ही बगीचे में किसी विशेष चीज को हाईलाइट करना है तो हम वहां पर यूज करते हैं ट्रॉफी।
समझ गए होंगे। और ट्रॉफी जब मिलती है वर्ल्ड कप की हो या आपके सिलेक्शन की ट्रॉफी हो तो आपको एक अलग ही अनुभूति होती है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास सरबरी, ये ग्रुप ऑफ सरब, ए ग्रुप ऑफ सरब, झाड़ियों का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं भैया, सरबरी कहते हैं। ठीक, ये देखिए ये आपको जो चित्र में दिख रहा है, अब इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सरब होते हैं वो कहाँ लगाए जाएंगे, किस स्थिति में लगाए जाते हैं, तो इन फ्रंट ऑफ ट्री, याद रखना है इन फ्रंट ऑफ ट्री, मतलब जो भी पौधे होते हैं उनके सामने। जैसे आप देखिए ये ट्री लगे हैं उनके फ्रंट पर, इस तरह से यहाँ पर क्या लगाई है, सरब। और ये ग्रुप बन रहा है, ये ग्रुप ऑफ सरब इज नोन एज सरबरी, मतलब झाड़ियों का एक समूह ही सरबरी कहलाता है। अब इस तरह से भी एक समूह बन रहा है इधर, इस तरह से कलरफुल समूह बन रहा है। ठीक, ये प्रोटेक्शन का काम कुछ हद तक करेंगे, लेकिन मेन जो सरबरी होती है ये ब्यूटिफिकेशन का काम करती है। और जैसे कि आपके गार्डन में कोई कंपोस्ट पीट है और आपने खुले में छोड़ दिया, एक तो इन्फेक्शन का डर रहेगा, दूसरा ही वो एक बेढंग दिखेगा। तो इस तरह से जो अनइवेंट चीज़ें हैं जिनको हम नहीं दिखाना चाहते उनको छुपाने के लिए झाड़ियाँ, और झाड़ियाँ एग्रीकल्चर वालों के तो दिल दिमाग रगो रगो में है, समझ गए झाड़ी वाले भाई लोगों। तो झाड़ियाँ समझ गए होंगे सबको, अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। तो कुल मिला के किसी चीज़ को हम छुपाना चाहते हैं तो छुपाने के लिए इस तरह से झाड़ियों का एक ब्रांच पूरा लगा देंगे, एक सीरीज लगा देंगे, तो उसे ही भैया हम सरबरी कहेंगे। अब यहाँ पर अगर इंडिविजुअल सरब की बात करें तो उसे बुश कहा जाता है, अगर हम एक झाड़ी की बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे, बुश, लेकिन ग्रुप को क्या कहेंगे तो सरबरी कहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा आपको, और ये डायरेक्शन का काम भी कर रहे कुछ हद तक। तो ये बात हुई भैया सरबरी और सरब की, क्लियर हो गया। अब बात करें हम सरबरी में, तो सरबरी में आप और भी तरह से इसके प्रकार की बात करें तो सरब दो प्रकार से ले सकते हैं, ड्वार्फ एंड मीडियम। ठीक है, इसके जो हाइट की बात करें तो ड्वार्फ हो सकता है, मीडियम हो सकता है, टॉल हो सकता है। एक मीटर तक है तो हम उसको ड्वार्फ में रखेंगे, अगर एक से ढाई मीटर तक है तो हम मीडियम में रखेंगे, और ढाई मीटर से चार मीटर तक चला गया तो टॉल सरबरी हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये भी हम इसमें ध्यान रख सकते हैं, हाइट वगैरह अगर पूछी जाती है तो। देन नेक्स्ट अगर हम देखें फ्लावर बेड, फूल है गुलाब का, फूल को देखकर तो मन ललायित हो ही जाता है भैया, ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर, ठीक है, लार्जेस्ट गार्डन है ट्यूलिप का। तो फ्लावर बेड जब हम किसी चीज को और अच्छे से ब्यूटीफाई करने का काम करते हैं, और अच्छे से सजाने का काम करते हैं, सौंदर्य का काम करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सी बेड बिछाएंगे भैया, फ्लावर बेड। तो ये आपको सुंदर और आकर्षक फ्लावर बेड दिख रही है, ये और बगीचे में चार चांद लगा देगी, बार बार सभी बहुरे यहीं गुंज जाएंगे, मतलब कलरफुल चीज़ों को देखने के लिए मन ललाहित हो जाता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो ये भी ब्यूटिफिकेशन का काम करती है फ्लावर बेड। और अगली हम बात करेंगे इसी से रिगार्डिंग, एक होगा भैया कारपेट बेड, सॉरी टेरेनियम, उसके बाद हम देखेंगे कारपेट बेड। तो टेरेनियम की अगर बात करें या टेरेरियम की बात करें तो टेरेरियम की अगर बात की जाए साथियों, तो आपको ग्लास दिख रहे होंगे, जब ग्लास के बर्तनों में लो वाटर रिक्वायरमेंट वाले प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, जैसे इसमें हॉर्स रख दिया भैया, पूरा झरना दिखाया गया है, स्टोन का भी यूज़ किया गया है, श्रब्स का भी या छोटे छोटे ट्रीज का यूज़ किया गया है। ठीक है, लाइक यहाँ पर आप देख रहे हो बॉटल में, तो सेलो जो पात्र हैं, उथले जो पात्र हैं, उनको यूज़ करके उनमें किसी कलरफुल चीज़ों को या ग्रीन्स को उगाना किसके अंतर्गत आएगा, टेरेरियम। तो सीधी सी बात है, आपको एक की पॉइंट याद रखना है, ग्लास कंटेनर, कांच के पात्र में जब समायोजित करके विभिन्न प्रकार की आकृति आपको दिखाई देती है, जहाँ पर ग्लास कंटेनर का उपयोग होगा तो साथ ही वो कहलाएगा हमारा टेरेरियम। ठीक है, क्लियर है बात। आइए अगली संरचना देखते हैं इसके बाद, दैट इज बॉर्डर। ठीक है, जब भी बॉर्डर की बात आएगी तो बॉर्डर दो तरह से यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आ रही है। बॉर्डर की अगर हम बात करें तो हर्बेसियस बॉर्डर और सरब बॉर्डर। हर्बेसियस मतलब जो हरी भरी रहे और बहुवर्षीय रहे। ठीक, अब हर्बेसियस बॉर्डर का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जो इंग्लिश गार्डन होता है, इंग्लिश गार्डन, अगर इंग्लिश गार्डन की हम बात करें तो उसका प्रमुख फीचर होता है हर्बेसियस बॉर्डर, मतलब हरी भरी बॉर्डर। हर्बेसियस बॉर्डर किस गार्डन का प्रमुख फीचर है, तो हर्बेसियस बॉर्डर
का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, ध्यान रखना हमें। हर्बेसियस बॉर्डर इंग्लिश गार्डन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी एग्जामों में कि हर्बेसियस बॉर्डर किसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो हमें बता देना साथियों, हर्बेसियस बॉर्डर इट इज अ मेन फीचर ऑफ इंग्लिश गार्डन। अब शब्द किसने दिया, तो ये शब्द अगर आ जाए तो जैकवेल ने दिया, और हर्बेसियस बॉर्डर को खोजा किसने, तो खोजा इसको भैया रॉबर्ट विल्सन ने। इसको खोजने का जो श्रेय जाता है वो जाता है रॉबर्ट विल्सन, इसको खोजने का जो श्रेय जाता है वो रॉबर्ट विल्सन को जाता है, समझ गए। तो इस तरह से जब हमें श्रब के डिफरेंट लुक दिखाई दे या बॉर्डर जब एक साथ हमें दिखाई दे कंट्रास्ट के रूप में, पाथ भी हो, लॉन भी हो, फ्लावर भी हो, और फिर इस तरह से ऊंची ऊंची झाड़ियां हो, उसके साथ जब बनेगा तो ये एक हर्बेसियस बॉर्डर का रूप धारण कर ले। और जब श्रब का यूज करेंगे तो हम उसको श्रबरी बॉर्डर भी कह सकते हैं, जो कि बॉर्डर का ही एक यूज या बॉर्डर का ही एक प्रकार होता है। तो यहां पर मैंने आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताई, जो हर्बेसियस बॉर्डर है ये इंग्लिश गार्डन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, और इसको खोजा गया रॉबर्ट विलियमसन ने और टर्म जैकवेल ने दिया, ठीक है। जैकवेल एक ब्रिटिश हॉर्टिकल्चरिस्ट है, उन्हीं के द्वारा इस टर्म को दिया गया था। आइए साथियों अगली बात हम करेंगे, कारपेट बेडिंग। जैसे कि हमें बात कर रहा था कारपेट बेडिंग, जैसे आप कभी आईसीआर वगैरह गए हो, आईआरआई गए हो, आईसीआर में पूरा कलरफुल इस तरह से लिखा गया है आईसीआर, और उसी में लिख दिया गया है 1929, मतलब जब अल्फाबेट के साथ हम नंबर का प्रयोग कर लें, अल्फाबेट के साथ किसका प्रयोग कर ले साथियों, नंबर का, तो एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसको हम बोलते हैं कारपेट बेडिंग। जैसे कि आप दिख रहे हैं डिफरेंट टाइप के कारपेट बना दिए गए, जो कि और भी शोभा आपके बगीचे की गार्डन की बढ़ा देंगे। तो जब अल्फाबेट के साथ नंबर का यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं कारपेट बेडिंग। एक हमने फ्लावर बेडिंग पढ़ा था जिसमें केवल फ्लावर यूज किए थे, और कारपेट बेडिंग में डिफरेंट टाइप के एवरग्रीन नेचर के श्रब्स का यूज किया जाता है, और इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती। ये जिस तरह से हम घर पर जाते हैं तो वेलकम लिखा रहता है ना, अलग ही डिजाइन का आजकल आ रहा है, उसी टाइप से यहाँ पर हर्बेसियस चीजों का यूज करके अल्फाबेट और नंबर करके लिख दिया जाता है। देन है बोनसाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। बोनसाई की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें दो शब्द देखने को मिलेंगे, फर्स्ट है बोन और दूसरा है साई। साथियों जब भी बोनसाई की बात आती है तो दो शब्द हमारे दिमाग में होना चाहिए, पहला है बोन, दूसरा है साई। एक जापानीज वर्ड है, बोन का मतलब होता है ट्रे और साई का मतलब है टू ग्रो, ठीक है। बोन का मतलब है ट्रे और साई का मतलब है टू ग्रो, बोन का मतलब है ट्रे और साई का मतलब है टू ग्रो, मतलब उथले पात्र में। ये देखिए ये उथला पात्र है, ज्यादा गहरा नहीं है, तो उथले पात्र में जब उगाया जाता है किसी भी ऊंचे ऊंचे वृक्षों को प्राकृतिक रूप से समायोजित करके, प्राकृतिक रूप को समायोजित करके छोटे छोटे आकारों में समायोजित कर देना ही बोनसाई कहलाता है। अब इसमें अधिकतर बुक्स में अलग अलग बातें लिखी है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान रखना, अगर आपसे उत्पत्ति पूछ ली जाए, ओरिजिन पूछ ली जाए बोनसाई का, तो याद रखना इसका ओरिजिन चाइना है। जापान भी अपना दावा प्रस्तुत करता है, लेकिन 1133 AD में चाइना ने इसका दावा पहले पेश कर दिया है। तो ओरिजिन पूछा जाए तो बोनसाई लिखा, लेकिन आर्ट पूछ लिया जाए, आर्ट के रूप में किस कंट्री ने, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। आर्ट के रूप में किसने डेवलप किया इसको, तो जापान ने किया है। ओरिजिन कहां से हुआ है, तो चाइना से। किसकी बात हो रही है, बोनसाई की, ठीक है। जापानीज वर्ड है, पहला बोन है दूसरा साई। बोन की अगर हम बात करें तो ट्रे होता है, और साई की बात करें तो टू ग्रो। अब बोनसाई की बात करें तो इसकी कैटेगरीज है, मेम बोनसाई, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। मेम, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ठीक है। तो इसकी कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो मेम बोनसाई, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। मेम बोनसाई की अगर बात करें तो इसकी हाइट होती है 2 to 6 inch, इधर 6 से 12, और इधर हो जाएगा भैया 12 से 24, इधर हो जाएगा 12 से 24 और लार्ज की अगर हम बात करें तो 24 से 60 inch। ये सब जितनी भी मैंने ऊंचाइयां लिखी भैया ये सब इंच में। मेम बोनसाई काफी बार पूछा गया प्रश्न है, मेम बोनसाई की हाइट कितनी होती है, तो 2 से 6 inch, सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 centimeter is equal to 2.5 centimeter, तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो मैम स्मॉल मीडियम लार्ज, समझ गए मैम कैसी है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज। इस तरह से ये भैया बोनसाई है जिसका यहाँ पर हमें प्रयोग देखने को मिला। तो बोनसाई से कई बार क्वेश्चन उसके ओरिजिन से आ चुका है, आर्ट के रूप में किसने डेवलप किया, जापानीज वर्ड है, बोन मीन्स क्या होता है, तो ट्रे मतलब ट्रे, आप चाय की ट्रे देखते हो, ज़्यादा गहरी नहीं होती है, साई मतलब टू ग्रो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमने यहाँ पर इन कलरफुल ऑब्जेक्ट के माध्यम से देखी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।